नमस्ते बच्चों। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यह पहिया है पी साईनाथ द्वारा रचित पाठ। उसका आगे का भाग हम आज पढ़ेंगे। साइकिल आंदोलन की एक अगवा का कहना है, अगवा मतलब जो हमारे पक्ष में होता है, उसका मतलब होता है अगवा। साइकिल आंदोलन के जो पक्ष में जो व्यक्ति है उसका कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। ये जो आंदोलन महिलाओं द्वारा चलाया गया उससे उन्हें बहुत आत्मविश्वास मिला। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। जो महिलाएं पहले हर काम पुरुषों के भरोसे करती थी, उनका इंतजार करती थी, आज वह स्वयं कर सकती है, उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ता है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। पहले जो स्त्रियां थी खुद उठा के पानी लाती थी, समय लगता था, अब वो साइकिल का इस्तेमाल करके जल्दी से पानी ले आती है और समय भी उसका बच जाता है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थान से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यही यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। जब वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो पहले तो लोगों ने कई बातें की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बातें करना बंद कर दिया, क्योंकि जो स्त्रियाँ औरतें थी उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इन्हें झेलना पड़ा, गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई। धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। जो लोग बातें करते थे उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जो उनके पक्ष में आ गए, और धीरे धीरे जो महिलाएं साइकिल चलाती थी उनको अब कुछ भी सुनना नहीं पड़ा, क्योंकि उनको सामाजिक स्वीकृति मिल चुकी थी। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में एक ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। जो महिलाएं पहले घर पर ही रहती थी, हर काम किसी के भरोसे पर रहती थी, जब से उन्होंने साइकिल चलाना सीखा है तो उनमें आत्मविश्वास आया है और वह आज़ादी अनुभव कर रही है। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जो महिलाएं हैं साइकिल चलाना सीख रही है और साथ में गाना भी गाती है, जिससे कि और जो महिलाएं जिन्होंने साइकिल चलाना नहीं सीखा है उन्हें प्रोत्साहन मिले और वह भी साइकिल चलाना सीखे। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी है वह जो नई महिलाएं उनको भी सिखा रही है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया।
महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। जब साइकिल के लिए जो आंदोलन किया गया, 1500 महिलाएं उसमें शामिल थी, जब लोगों ने इसको देखा तो लोग हक्के बक्के रह गए। बच्चों, हमारे जो देश है उसमें 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो 1992 से मनाया जा रहा है। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी, इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को दो कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडी साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। जब लेखक 8 साइकिल के मालिक से मिला, क्योंकि जब महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा तो साइकिल की बिक्री बढ़ी, तो जो महिलाएं लेडी साइकिल नहीं खरीद पा रही थी उन्होंने जेंट्स साइकिल खरीदना शुरू कर दिया। जब लेखक ने इनकी जानकारी मांगनी चाही तो जो मालिक है उन्होंने सोचा कि कोई बिक्री विभाग का अधिकारी है, तो वो थोड़ा हिचकिचा गए। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनो रमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। जो कुदीमी अन्नामलाई नामक की जो युवती है वह स्त्रियों को साइकिल चलाना सिखाती है। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, मतलब कि काफ़ी ग्रामीण इलाका है, शहर से काफ़ी दूर है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ है, निहितार्थ मतलब स्वयं का लाभ है। जो साइकिल चलाना सीख चुके हैं उनके कई फायदे हैं, इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। जो महिलाएं पहले उनको बोझ ढोना पड़ता था स्वयं, या किसी का इंतजार करना पड़ता था, साइकिल सीखने के बाद वह अपना काम स्वयं ही कर लेती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब उन्हें बस का इंतजार भीड़ भाड़ में भी नहीं जाना पड़ता है महिलाओं को। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपना सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। मतलब कि जब साइकिल चलाना सीखा तो महिलाओं को इससे काफ़ी फायदा हुआ। आगे है तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। बच्चों, जो महिला हैं जिन्होंने साइकिल चलाना सीखा उनसे उनका काफ़ी समय बचने लगा और काम भी उनका बढ़ गया, आमदनी भी काफ़ी बढ़ गई। तो बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा है और इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।